हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है एंड अगर हम बात करें कल की वीडियोज की तो कल की डेट में हमने यहाँ पर वीडियोस बनाई थी एक अमाइन से रिलेटेड आज डेट में छह परसेंट भागता हुआ दिखाई दिया इससे पहले अगर मैं बात करूं एक दिन पहले ही यहां पर और वीडियो बनाई थी पर देख सकते हैं बानको प्रोडक्ट्स वो भी अगर मैं तब से बात करूं तो लगभग टेन से फिफ्टीन परसेंट भाग चुका है डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें वो भी पर अगले दिन ही भागता हुआ दिखाई दिया इसके अलावा दूसरे स्टॉक्स भी है जो कि हमारे उस तरीके से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं वैंकीज की बात करी थी जिस दिन वैंकीस की बात करी थी उससे अगले दिन वैंकीज भी भागता हुआ दिखाई दिया तो आज इसके बताने का मतलब मेरा क्या है मैं कोई बखान नहीं कर रहा हूं आई एम जस्ट टेलिंग यू

इसमें अभी मार्केट में ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी बची हुई है जो मार्केट जब डाउन हुई थी तो बहुत ज्यादा नीचे आ गए थे एंड देर वॉज रीजन अगर बात करें वॉज नो रीजन टू कम कम डाउन बट अगर बात करें uh, वो स्टॉक्स स्टिल वहां पर नीचे आए थे बट स्टिल नाउ दे आर गोइंग टू गोइंग टू अपर्ल्ड ओके वो ऊपर जाने वाले हैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही मैं आपको दो स्टॉक्स और आज की डेट में बताने वाला हूँ उनकी तरफ नजरें बना के रखिए कभी भी वो भाग सकते हैं तो

की स्टडी करिए पर प्लेलिस्ट है प्ले लिस्ट को गो थ्रू करिए तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं देखिए हमने अगर हम मैं बात करूं यहां पर एक स्टॉक्स है बी सॉफ्ट काफी बार वीडियो बनाई है मैं नहीं है आपने टीवी वी पर भी सुना होगा अलग अलग जगह पर सुना होगा बट आपने तब सुना होगा जब ये स्टॉक्स भागने लगते हैं ओके टीवी पर भी तभी बताया जाता है जब ये स्टॉक्स मूव करना शुरू करते हैं दे नेवर टेल यू कि इस स्टॉक्स को अभी लीजिए या पहले लेके रखिए तो वो अब अगर बात करें बिरला सॉफ्ट की तो बिरला सॉफ्ट यहाँ पर एक बेहतरीन आई पैक है एज वेल एज यहाँ पर बात की जाए ये कंपनी तो ये कंपनी काफी बेहतरीन है यहाँ पर अगर इसके भाई की बात करें तो यहाँ पर इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया कि सात सात भागते हैं इनमें थोड़ा सा ये गैप रहता है यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ के पी केपीआईटी आई टी में बहुत टाइम्स पहले से बताता आ रहा हूँ बट स्टिल अगर हम देखें पर ऊपर से नीचे नीचे सॉरी पर से ऊपर गया था फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर गिर चुका है और आज की डेट में भी अच्छा खासा भक्त है, दिखाई है दिया और ज्यादा गैप नहीं है इसमें और बात करें इसमें आ, बी सॉफ्ट में तो बी सॉफ्ट और इसमें ज्यादा गैप बचा नहीं है थोड़ा सा ही गैप है इसमें प्राइस में बट अगर बात करें तो एक बाप है एक बेटा है तो यहाँ पर यहाँ पर अगर बात करें ये शेयर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ यहां पर आ गया है यहाँ पर एक ऐसे पॉइंट पर आ गया है जहां पर अगर हम अभी करते हैं, तो हमें यहां पर पचास से सौ का यहां पर मिल सकता है तो अगर स्विंग ट्रेडिंग से तो देखिए यहाँ पर मीडियम कैप स्मॉल कैप यहाँ पर नजर आता है और ये आई का पैक है काफी दिग्गज कंपनी है यहाँ पर और यहाँ पर बात करें डिजिटल सर्विस थर्टी एट परसेंट यहाँ पर रिवेन्यूटर यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर चीजें हैं जो आप देख सकते हैं ROE की बात करें और ट्वेंटीन है यहाँ पर रिस्पेक्टिवली जो कि काफ़ी बेहतरीन है पी रेशो ज्यादा महंगा भी नहीं है यहां पर डेट की बात करें डेट भी नहीं है प्लेजिंग की बात करें कोई पर प्लेज नहीं है तो ये सारे पॉइंट्स पर इसके 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 अच्छे हैं अलावा बात नंबर्स की तो यहाँ पर जो अभी नंबर देखेंगे ना आप यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते हुए और हाइएस्ट एवर नंबर है नेट प्रॉफिट की बात करें वो हाइएस्ट एवर है इसके अलावा यहाँ पर ईयरली बेसिस पर बात करें पिछले दस ग्यारह साल की तो यू कैन सी देट कि यहाँ पर ईयरली बेसिस पर भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है

फाइव करोड़ रुपीज है कैश इक्विवेलेंट की 1043 करोड़ रुपीज का कैश पड़ा हुआ है तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है बाकी एंड कोई यहाँ पर ऐसी आ, Uh, कोई आपको बताया नहीं जा रहा कि ऐसा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर आपको नहीं बताया जा रहा सिंपल वो बताया जा रहा है जो यहाँ पर हमें दिख रहा है कैश एक्टिविटी की बात करें फाइव फिफ्टी एट करोड़ रुपीज का पैशा जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है और इसके अलावा यहाँ बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग तो प्रमोटर्स की होल्डिंग फोर्टी की होल्डिंग है एफ की इसकी होल्डिंग सेवनटीन और डी ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है देखिए सेवनटीन से नाइनटीन कर ली है जो की एक पॉजिटिव फैक्टर है और यहाँ पर शेयर कौन बेचता नजर आता है यहाँ पर शेयर निकाले जाते हैं पब्लिक की तरफ से. तो यहाँ पर पब्लिक से शेयर निकाले गए हैं और यहाँ पर बात करें 22% के शेयर रहे हैं जिसमें भी बड़े-बड़े लोग अगर बात करें 3 1 यहां पर बात करें 4 5 लगभग 6% की हिस्सेदारी यहाँ पर है और 6% यहाँ से घटाए थे लगभग आपके पास कितने 16% के आसपास की होल्डिंग यहाँ पर नॉर्मल नजर आती है पब्लिक के पास तो हम यहां पर अगर बात करते हैं बिडला सॉफ्ट की तो बिडला सॉफ्ट एक अच्छे लेवल पर आ गया है ओके okay, यहाँ पर सिक्सटी के आर पे चल रहा है आर को अभी तो हम यहाँ नहीं देखेंगे हम सीधे बात करेंगे यहाँ पर इसकी तो यहाँ पर देखिए कंपनी काफी टाइम से काफी टाइम से मतलब क्या है दो महीने से लगभग हो चुके हैं मोर देन टू मंथ्स यहाँ पर एक ही दायरे में यहाँ पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके और यहीं पर ही यहाँ पर ही इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है काफी बेहतरीन इसका सपोर्ट एरिया है यहाँ से नीचे जाना बहुत कम है यहाँ पर देखिए मार्केट गिरी भी थी ना मार्केट थोड़ी सी यहाँ पर गिरती हुई नजर आई थी मार्केट में प्रेशर बहुत बट ये स्टॉक्स हिलते हुए नजर नहीं आए थे एक तो आईटी पैक ऑलरेडी चल रहा है जस्ट बिकॉज यहाँ पर लॉकडाउन है तो घर से ही काम हो रहा है तो इनके बिजनेस पे कोई हैम्पर नहीं हो रहा अगर और दूसरी बात चीज हम बताए तो ऐसे चीज ऐसे में इनके पास कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं इनकी डील ज्यादा होती हुई नजर आ रही है तो ये कंपनी को ऊपर ही जाना है थोड़ा समझने की जरूरत है बाकी ये शेयर कभी भी यहाँ पर भाग सकता है कभी भी यहां पर ऊपर दिखा सकता है इसी तरीके से आसपास आया सात रुपए पर, तो पर, पर, तो पर, पर ट्रेड कर रहा है मुझे लगता है साढ़े से लेके पांच की जर्नी बहुत जल्दी करके दिखाएगा और जब भी भागना शुरू करता है ना तो इसी तरीके से टू फोर्टी सिक्स का शेयर उड़ता हुआ था मतलब डेढ़ की जब दिखा दी तो हम यहाँ पर

वैल्यू uh, बाइंग लग रही है जो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो से अच्छे लग रहे हैं जो मतलब रिस्क जहाँ पर कम है और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है तो ऐसे ही अगर हम बात करें ऐसी इसी बेस पे हम स्टॉक्स को चूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस एज वेल एज बैलेंस शीट हम यहाँ पर ये यह स्टॉक्स को स्टडी करते हैं कि कहाँ पर कम है और इसी तरीके से बड़े लॉक भी करते हैं कि ऐसे स्टॉक चुनते हैं जहाँ पर नीचे आ गए हैं वो स्टॉक्स और नीचे आने पर फिर ऊपर जाएंगे तब तो हम वहाँ पर एग्जिट कर लेंगे स्विंग ट्रेडिंग करनी है स्विंग ट्रेडिंग करिए लॉन्ग टर्म के लिए रखने

79 थोड़ा महंगा नजर आ रहा है ROC यहां पर और की की है है है. है. पर. पर बात करें ना के बराबर है, कोई नहीं है, these are the positive factors जो को देते हैं कि हां, यहां पर अच्छी खासी और फिर कहीं ना कहीं डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड कंपनी जुड़ी हुई है और यहां पर जैसे, जैसे आ, का, हो रहा है तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी होगी पर होगा यहाँ पर सेल्स देख सकते हैं कंसिस्टेंट ग्रोथ है हाईएस्ट एवर नंबर यहाँ पर पिछले तीन चार क्वार्टर से यहाँ पर दिखा रहा है नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी हाईएस्ट एवर ही आ रहे हैं यहाँ पर देखिए थर्टी थ्री थर्टी है थर्टी फाइव थर्टी फोर मतलब एक ही रेंज में यहाँ पर नंबर आ रहे हैं जो कि अच्छी बात है एटलीस्ट यहाँ पर लॉकडाउन है फिर भी यहाँ पर कंपनी लॉस में नहीं है यहाँ पर बात कर रहे सेल्स की तो कंपनी के पिछले पांच साल का यहाँ पर परफॉर्मेंस देखे तो थ्री करोड़ से लेकर फोर्टीन करोड़ रुपीज का यहाँ पर सेल्स में तब्दील हो गया जो कि अच्छी बात है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें वो हाइस्ट एवर

लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था तीन चार दिन पहले यहां पर बताया था ओके okay, उस टाइम यहाँ पर सीधे भागता हुआ दिखाई दिया था सॉरी uh, यहाँ पर ये मतलब सॉफ्ट है यहाँ पर रूट मोबाइल दिखाऊं तो रूट मोबाइल मैंने यहीं पर ही आपको बताया था उसके बाद यहाँ पर बताया था।, था उसके बाद शेयर दो हजार रुपए तक टच कर के आया था फिर आप अभी की बात करें तो फिर शेयर यहाँ पर नीचे आ गया है और यहाँ पर ही बार बार सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पर एक इसका सपोर्ट लेवल की बात करें तो एक बेहतरीन यहाँ पर सपोर्ट भी है इसका और गिरने के चांसेस कम है मार्केट ऑलरेडी ऊपर आ रही है डिजिटल वर्ड से रिलेटेड ये स्टॉक है फोर्टी फोर का आर एस आई है सब कुछ पर बेहतरीन आ रहा है और जब जब फिफ्टी डी एम आसपास के आसपास नीचे आया है, तो शेयर ऊपर से एक भागता हुआ नजर आया और इसकी हिस्ट्री लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताई थी कि ये जितना गिरता है ओके मतलब यहाँ पर एक बार भागा थोड़ा सा गिरा फिर भागा फिर थोड़ा सा गिरा फिर भागा फिर थोड़ा सा गिरा इस तरीके से करते करते ये शेयर को ऊपर पहुंचा दिया है देखो यहाँ पर फिर गिरा कंसोलिडेट किया फिर भागा फिर गिरा फिर, फिर यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया फिर भागा है फिर उसके बाद एक हमेशा नीचे गिरता है और फिर ऊपर भाग जाता है इसे लोअर टॉप लोअर बॉटम इस तरीके से कहते हैं तो अब बात करें दोबारा यहाँ पर गिर गया थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करके मुझे लग रहा है चौबीस सौ पच्चीस रुपए का लेवल कब कब मैं आपको बनाता हुआ दिखा देगा आपको खुद नहीं पता चलेगी

और यहां पर मैंने जिनके मैं पोर्टफोलियो हैंडल्स करता हूं उन्होंने भी रिकमेंड किया है तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इस शेयर की तरफ नजरें बनाइए रूट मोबाइल एज वेल एज बिरला दोनों बेहतरीन शेयर है दोनों नीचे आ गए हैं दोनों की बेस्ट बाइंग लेवल आ गया है और यहाँ से खरीदना चाहिए यहाँ पर बेचना नहीं यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करे और यहाँ पर शेयर इस तरीके की वीडियो और मिलती रहे तो हमें सपोर्ट करें थैंक यू सो मच फॉर ब्लेस